भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की शुरू। जेपी नड्डा 24 जून तो वहीं अमित शाह 29 जून को बिहार का करेंगे दौरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 जून को बिहार के झंझारपुर में करेंगे रैली, तो वहीं अमित शाह 29 जून को आएंगे मुंगेर लखीसराय में, रैली को करेंगे संबोधित। जीतन राम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छोटी दुकान बताने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान का जीतन राम मांझी ने अपने अंदाज में दिया जवाब। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह तो सब लोग जानती है कि दुकान का मतलब क्या होता है, जहां खरीद फरोख्त होती है वह लोग इसी पर विश्वास करते हैं और उन्होंने यही किया, लेकिन हमारी पार्टी दुकान नहीं है। दुकान का मतलब होता है खरीद, तो माफ करेंगे, खरीद फरोख्त में वो लोग विश्वास करते हैं और यही किया है वो लोग। हम लोग कभी खरीद फरोख्त की बात नहीं की है, हमारी दुकान ये नहीं रही है। हम वहीं जेडीयू में पार्टी को मर्ज करने की बात पर जीतन राम मांझी ने कहा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया था, जिसके चलते हमें यह निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को तोड़ मरोड़ करके नीतीश कुमार या तो हाफ हेजरेंडी इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाज़त दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं रहना है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के छोटी दुकान बताने वाले बयान पर भाजपा नेता संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि छोटी दुकान तो जदयू है, पता नहीं कब राजद में समाहित हो जाए और पार्टी को खत्म कर दे। मैं राष्ट्रीय राजनीति में सबसे छोटी दुकान तो जदयू की है, जदयू अपनी छोटी दुकान बंद करके कब राजद में समाहित हो रहा है? ललन सिंह जी को यह भी बताना चाहिए और तेजस्वी जी को भी बताना चाहिए कि कब ये सारी जो छोटी दुकानें हैं, जो कि माले की, कम्युनिस्ट की, इन सबों को कब वो समाप्त करके अपने में समाहित कर रहे हैं। उन सब छोटी दुकानों के बारे में ललन जी को, तेजस्वी जी को बताना चाहिए। अपनी बेटी कात्यायनी के पासपोर्ट के लिए भागदौड़ कर रहे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेटी कात्यायनी का पासपोर्ट बनाने के लिए मौर्य लोक स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव, जमा किए दस्तावेज। बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए है ना, और हम लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी अप्लाई किया हुआ है। संतोष मांझी के मंत्री पद से इस्तीफा के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर किया हमला। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा और गठबंधन के मित्र एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं।